नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर ने मानो बॉक्स ऑफिस को हिल लाकर रख दिया और अपने रिलीज के मात्र 7 दिनों के अंदर ही ऋतिक और टाइगर की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया। वही दोस्तों, फिल्म वॉर में हमें ऋतिक और टाइगर के बीच में एक जबरदस्त फेस ऑफ देखने को मिला और दोस्तों, इस गुरु चेले की जुगलबंदी ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऋतिक रोशन फिल्म वॉर के जरिए अपने रियल गुरु से आगे निकल गए हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शाहरुख की फिल्म कोयला के दौरान ऋतिक फिल्म के सेट पर शाहरुख के असिस्टेंट की तरह काम किया करते थे, क्योंकि उनके पापा राकेश रोशन ही इस फिल्म को बना रहे थे। और दोस्तों, ऋतिक इस फिल्म के एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे। और दोस्तों, जिस तरह से टाइगर श्रॉफ बचपन से ही ऋतिक को अपना गुरु मानते हैं, ठीक उसी तरह से ऋतिक भी शाहरुख को आइडलाइज करते हैं। और दोस्तों, अपने इसी गुरु को ऋतिक ने अपनी वॉर के जरिए पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वॉर ने 8 दिनों में ही 228.55 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन कर दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ऋतिक की फिल्म वॉर ने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी बीट कर दिया है, और वो भी सिर्फ 8 दिनों के अंदर। यानी दोस्तों, सिर्फ 8 दिनों में ही चेला ऋतिक रोशन अपने गुरु शाहरुख खान से आगे निकल गया। और दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि वॉर की कमाई इतनी जल्दी तो नहीं रुकने वाली, और जिस रफ्तार से ये फिल्म कमाई कर रही है उससे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म अब बहुत जल्द 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। और दोस्तों, अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितने करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब होगी। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि ऋतिक और टाइगर की फिल्म वॉर का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।